हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल आई एम आरती कुशवाहा। उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल को लेके। एंड आई नो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, व्हाट इज डार्क सर्कल। आंखों के नीचे काला काला हो जाना, उसको हम डार्क सर्कल बोलते हैं। एंड इसके होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, हम सो नहीं पा रहे हैं, ना सोने के भी कितने रीजन होते हैं, स्टडी कर रहे हैं या ऑफिस का काम हो गया, वो रह गया तो वो कर रहे हैं देर तक, लेट नाइट। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, रेगुलर बेसिस पे वो चीज अपन फॉलो करने लगते हैं, रूटीन सा बन जाता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट डार्क सर्कल हो जाता है। जैसे मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, लगातार कुछ काम हो जाता है, लेट नाइट तक जगना पड़ जाता है, तो उसे डार्क सर्कल हो जाता है। एंजाइटी, पॉल्यूशन, डिहाइड्रेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके कारण से डार्क सर्कल होता है। पता है डार्क सर्कल ना कुछ दिनों में चला ही जाता है, बट मेन प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब ये जो डार्क सर्कल होता है ना एकदम जिद्दी हो जाता है। होम रेमेडीज ट्राई कर ली, DIY कर लिया, उसके बाद भी नहीं जा रहा है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिकल प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम द ब्रांड डर्मा टच, एंड दिस इज बाय बाय डार्क सर्कल अंडर आई क्रीम। ये ना कुछ इस टाइप की पैकिंग में आता है, एंड इसका जो कैप है इसको हमें रिप्लेस करना होता है एक्सटेंशन नोजल से, जो कि इसके साथ ही आता है। नोजल का बेनिफिट पता है ये रहता है ना कि हमें पी साइज अमाउंट लेना होता है ना, तो बहुत अच्छे से मिनिमम अमाउंट में निकल के आ जाता है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है। बहुत सारे इन्ग्रीडियंट मेंशन है, बट इसमें एक से दो इन्ग्रीडियंट कुछ ऐसे हैं जिनने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो इसके अंदर है लनरीज, जो कि एक अफ्रीकन प्लांट एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ओवरऑल आई केयर के लिए अगर इसको टॉपिकली अप्लाई किया जाए तो। और ये ना आई पफिनेस हो गया या अंडर आई बैग है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कहा जाए तो ओवरऑल यूथफुल एंड रेडियंट लुक देता है। एक और अच्छा इन्ग्रीडियंट है इसके अंदर जो कि है ऑलिवाइन, जो कि एक ऐसा एक्टिव है जो कि प्री मेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है और जो डार्क सर्कल की अपीयरेंस होती है ना उसको कम करता है। सो बेसिकली यू विल फाइंड दिस बोथ पावरफुल इंग्रेडिएंट इन दिस बाय बाय डार्क सर्कल क्रीम। अब बारी आती है कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले हमें पी साइज अमाउंट लेना है, लेट मी टेल यू हाउ मच। सो दिस मच अमाउंट वी हैव टू टेक। फिर ये वाली फिंगर का यूज करके हम डॉट डॉट करके यहां लगा लेंगे। एंड फिर सर्कुलर मोशन में हम इसको मसाज करेंगे जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। बहुत ध्यान से आपको करना है, आंखों के अंदर मत डाल लेना, नहीं तो इरिटेशन हो सकती है। एंड ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही बार यूज करोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है, आपको इसको सुबह और शाम को यूज करना है, मॉर्निंग एंड नाइट में। और गाइज आपको ना इसको अराउंड 6 to 8 weeks तक यूज करना पड़ेगा फॉर अ विजिबल रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि एक दिन लगाओ तो जादू हो जाएगा, तो वो भैया जादू वाला गेम यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एब्जॉर्ब हो गया है, पता है ये काफी ज्यादा जेंटल है, इवन एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से हो गया, ऑयली वगैरह नहीं लग रहा है। एंड ऑल्सो सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या फिर ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो, किसी भी टाइप की आपकी स्किन है ना तो ये काम करेगा। एंड काफी जेंटली आपको मसाज करना है क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है ना काफी ज्यादा पतली होती है। तो एक क्विक सा समरी रहती है इस प्रोडक्ट का, एक्चुअली ये काफी ज्यादा जेंटल है स्किन पे, एंड जो इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं दे ऑल आर क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव्स, एंड इनके सारे रेंज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। इरेज प्लस फॉर्मूला है जिसके कारण जो रिजल्ट है ना काफी जल्दी दिखाई देते हैं। डार्क सर्कल को रिड्यूस करेगा, आई की पफिनेस को रिड्यूस करेगा एंड इलास्टिसिटी को बूस्ट करेगा स्किन की। एंड गाइज ऑल्सो इट विल हेल्प इन रीस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग स्किन बैरियर। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्रीम रिव्यू, एंड इफ इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है मेक श्योर यू डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इस प्रोडक्ट की बाइंग लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा।